हाय एवरीवन, होप एवरीवन इज़ फाइन। आज सिक्स डे है लॉकडाउन का। आज लॉकडाउन राइड कर रहा हूँ। ये कोई पर्सनल राइड नहीं है, ऑफिशियल राइड है। मेरे फादर को ऑफिस ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, तो इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ। तो याद रखिए, अगर आप इस सिचुएशन में, अगर आपके पास पास है या कोई इमरजेंसी के लिए काम के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ प्रिकॉशन लेके जाना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लेके जाना, जैसे कि आपका मास्क या कोई सैनिटाइजर, ये सब चीज़ लेके जाना अच्छा है आपके लिए, ताकि आप वायरस से भी आप बच सकते हो। तो चलिए, आज भुवनेश्वर के अंदर वो राइड कर रहा हूँ। मेरे फादर को ऑफिस ड्रॉप करते हुए तो जितना रास्ता कवर करता हूँ, वो सिचुएशन दिखाता हूँ भुवनेश्वर के अंदर कैसे लॉकडाउन है, वो आज चीज़ मैं दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलो शुरू करते हैं लॉकडाउन राइड। ओ पपी, ये लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है उन लोग को जो लॉकडाउन के वजह से खाना नहीं मिल पा रहा है। ये है पहला नज़ारा, जो कि रोड पूरा खाली है। लॉकडाउन का सिक्स डे है आज, जो कि घर पे ही ये बोलोगे काम कर रहे हैं। आइगनिया स्क्वायर आ गया अभी। यहाँ पे ऑटो का बहुत भीड़ रहता था, लोगों को कनेक्ट करता था हमारा एरिया को ये। और अभी हम जिस तरह जा रहे हैं वो है कस्मोपोलिस स्क्वायर एरिया है। फिर ये देखो, यही है एक्चुअल लॉकडाउन का नज़ारा। भुवनेश्वर का पहला शुरुआत है ये। पूरा रोड खाली है, एनएच खाली है। आगे जो दिख रहा है वो है खंडगिरी ओवरब्रिज का जो तैयारी चल रहा है, वो भी कंस्ट्रक्शन काम बंद है अभी। लेकिन ये पूरा भीड़ कोई भी नहीं है, लॉकडाउन को लोग मान रहे हैं अभी। ये देखो, ये खंडगिरी स्क्वायर एरिया है। यहाँ पे भुवनेश्वर का जो कि सबसे बड़ा ट्रैफिक एरिया है, ये बहुत बड़ा ट्रैफिक एरिया, बहुत बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। ये पहली बार कोई भी अगर मूवमेंट होता था, कोई स्ट्राइक होता था, तभी ऐसे पता चलता था कि रोड खाली चलता था। लेकिन आज के जो लॉकडाउन है, रियल चीज़ देखने के लिए मिला, लोग कैसे इसको ओबे करते हैं। लोगों ने तो बहुत कुछ माना है, बट जैसे कि 10% लोग नहीं मानते हैं, वो लोग क्या करना है, कुछ नहीं होगा, ये वायरस क्या है। लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम उन लोग को पता चलेगा ये क्या है, इन लोग इसका क्या होगा। अगर जो लोग मानेंगे वो लोग खुद सेफ रहेंगे। ये है बरमुडा बस स्टैंड का नज़ारा। अभी कोई भी लोग नहीं है, सब बस बंद है, कम्युनिकेशन बंद है। ये एरिया मेन एरिया है भुवनेश्वर का, जो कि कम्युनिकेशन प्लेस है। कोई भी कहाँ से अगर आता है बस से, तो ये एरिया से ही जाते हैं। सोचो, किसी एक के वजह से पूरा सोसाइटी, पूरा ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर असर दिखाएगा। सब कुछ बंद है। अच्छा है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन अपनाया, जिसके वजह से ये लॉकडाउन को लोग मानते हैं। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं वो है 5 स्टेशन स्क्वायर। देखो, लोग रास्ते पे भी सोए हुए हैं। इन लोग के बारे में क्या करना है। सैल्यूट है ये पुलिस वाले लोगों को, जिन्होंने इतना धूप में भी है हम लोग के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट करा रहे हैं, बट हम खुद एजुकेट नहीं हो रहे। देखो, मैं ये रॉन्ग साइड में लोग बैरिकेड किए हैं, ताकि एक ही साइड में कोई भी आना जाना कर सकता है। दूसरे दोनों बोथ साइड को बंद, खोला नहीं है, बंद किया है। एक ही साइड को बंद किया है, दूसरा साइड को वो खोल कर रखा है। अभी हम लोग सीधा डेल्टा स्क्वायर तरफ जाएंगे, देखते हैं। यहाँ पे फ्यूल तो पंप खुला है, क्योंकि एज़ पर एज गवर्नमेंट के हिसाब से ये नेसेसरी
थिंग्स है लोगों के लिए, शायद आगे का रोड बंद है तो हम उसी सिरीपुर एरिया से जाएंगे। हम लोग सिरीपुर सीधा चलते हैं, वहाँ पर OUT के आगे जाके वहाँ से शॉर्टकट रोड होगा, वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। अभी मैं एक चीज़ बता रहा था कि COVID-19 का जो एजुकेट करना है, एक चीज़ है यहाँ पे, कभी भी खुद के अंदर वो तुम खुद एजुकेट नहीं होगे तब तक कोई भी चीज़ को नहीं संभाल पाओगे। हर स्क्वायर में पुलिस ने एक एक बैरिकेड लगाया है, अच्छा इंतजाम किया है ताकि लोगों को वो लोग जो रूल्स के हिसाब से सो वो एक्शन ले सकते हैं। अगर रोड खुला छोड़ देंगे तो कोई भी ऐसे जा सकता है। ये OUT स्क्वायर एरिया आ गया, जो कि देखो पुलिस वाले इतना मेहनत कर रहे हैं, वो लोग सैनिटाइज़र उन लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ताकि जो भी वो लोग है अपना अपना ड्यूटी पे सो सैनिटाइज यूज करके हाइजीनिक मेंटेन कर सकते हैं। ये OUT स्क्वायर का पूरा रोड है, गंगानगर टूवर्ड्स द एयरपोर्ट रोड है, बट ये सब अभी आप भुवनेश्वर के अंदर देख पा रहे हैं कैसे नज़ारा है भुवनेश्वर का लॉकडाउन के टाइम में। ऐसे ही भुवनेश्वर है, हाँ जिसका नेसेसरी काम है, इमरजेंसी है, पास है, वो लोग ही आना जाना करते होंगे। तो आप देख पा रहे हैं जानवर लोग, उन लोगों को खाने के लिए कहाँ, अगर लोग होते थे कोई ब्रेड कोई बिस्कुट कोई भी फ्रूट्स देते थे, लेकिन उन लोगों को खाने के लिए अभी नहीं है, कोई भी नहीं दे रहा है। जो दे रहा है कि स्पेशल NGOs और जो कि गॉड के ऊपर भगवान के ऊपर बिलीव करते वो लोग देते। अभी हम लोग गंगानगर क्रॉस कर चुके हैं, ये गंगानगर एरिया का है, बहुत बिजिएस्ट एरिया है क्योंकि ड्यू टू कैपिटल हॉस्पिटल है, एरिया बहुत भीड़ रहता है। बट अच्छा लग रहा है इस तरह खाली रोड पे जाने के लिए, लेकिन मेरा फादर एक एसेंशियल जॉब होल्डर है, वो अगर वो जाना पड़ेगा वो तो घर पे नहीं रहेंगे ना, वो अपना ड्यूटी करेंगे, तो डेफिनेटली ओल्ड एज है वो जा नहीं पा रहे, तो हमको गाड़ी लेके छोड़ना पड़ रहा है। उनका ऑफिस स्टाफ भी है, वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं। ये आ गया अभी एयरपोर्ट स्क्वायर एरिया है, देखो ये लंबा रोड आपको देख सकते हो कैसा पूरा एम्प्टी है। टाउन के अंदर मेन एरिया है, ये मेन ऑफिशियल एरिया है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, एक दो गाड़ी दिखाई दे रहा है आना जाना कर रहा है, बट पूरा रोड खाली है। लोगों ने अच्छी तरह इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हर जगह पे पुलिस का निगरानी है, ट्रैफिक पुलिस पुलिस ये सब लोग निगरानी कर रहे हैं। अच्छा है जो कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने इतना सोचा है कि लोगों को बचाना है, लोगों के लिए कुछ करना है, तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स है गवर्नमेंट के तरफ से। एक बहुत बड़ा बात है कि यहाँ पे प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट ने स्टेप्स ले लिए, जो नेसेसरी स्टेप्स चाहिए वो ले लिए ताकि लोगों के अंदर उस तरह का कोई पैनिक ना हो जाए। ये है AG स्क्वायर, पूरा क्लोज है, इतना बैरिकेड लगाया गया है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। भुवनेश्वर का एक सबसे जो कि भीड़ एरिया है, रश एरिया रहता है, Unit 1 मार्केट, Unit 2 मार्केट, लोगों का आना जाना रहता था, लेकिन आप देखेंगे ये मेन बिजनेस शॉपिंग हॉब एरिया है, बट कैसा पूरा खाली पड़ा हुआ है। अभी हम लोग राइट साइड से जाएंगे ताकि नज़दीक होगा हमको जाने के लिए कटक रोड। जैसे लग रहा है कि ये एरिया ही रस हो गया है। ये एरिया है राजमार्ग। COVID-19 ऐसा एक वायरस है जो कि दुनिया में पूरी तरफ से अपना थ्रिलर दिखा चुका है, रियल प्ले कर रहा है। अभी ये है कल्पना स्क्वायर,
कटक रोड के तरफ से जाएंगे अभी। भुवनेश्वर का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला रास्ता कटक रोड, क्योंकि ये जो रोड है कटक को भुवनेश्वर और पुरी को कनेक्ट करता है। ये पूरा टोटल एरिया आपको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, बट आपको केयरफुल जाना पड़ेगा इस रास्ते में जाने के लिए। यहाँ पे भी बैरिकेड है स्टेशन स्क्वायर में। अच्छा है हमारा एरिया में एक अच्छा स्टेप्स है प्रोएक्टिवली, जो कि सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज को ना जाने के लिए इतना नेसेसरी स्टेप्स लिया गया। बहुत दिल को अच्छा लग रहा है कि चाहो, सोचो अगर हम कोई भी यहाँ पे कोविड-19 से नहीं बच सकता है, वह इन लोग को थोड़ा सोचना चाहिए पैदल क्यों जा रहे हो। अगर आपको देखो सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे ही मेंटेन नहीं हो रहा है, कोई भी इसके अंदर कोई भी एक वायरस वाला इन्फेक्टेड वाला लोग होंगे। ये हो गया स्विगी का जो डिलीवरी बॉयस, वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों को, फूड डिलीवरी कर रहे हैं। देखो ये आ गया ओवरब्रिज, कटक रोड ओवरब्रिज का है, पुलिस वाले हैं। चला मुझे जाऊँ, हाँ मुझे पढ़ूँ मु और जल्दी पढ़ेबी मु, नहीं नहीं पहुँच जी घर फ़ोन करे। अभी फादर को ऑफिस में छोड़ दिया, ऑफिस से निकल गया मैंने, तो रिटर्न हो रहा हूँ। जिस रास्ते से आया हूँ उसी रास्ते से जाऊँगा। अभी मैं राजमहल से होके डायरेक्ट एजी होके फिर मैं चला जाऊँगा गवर्नर हाउस के तरफ से, वहाँ पे देखूँगा भुवनेश्वर का नज़ारा लॉकडाउन का। ये बरोड़ा ब्रिड कॉलोनी को रास्ता है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे बैरिकेड पुलिस। अच्छा ओएसएपी का जवान लोग भी है यहाँ पे। अभी मैं एक रोड दिखाऊँगा, वो रोड है एयरपोर्ट को जाता है, वो राजमहल से एयरपोर्ट शिशु भवन होके जाता है, वो रोड भी खाली है। लॉकडाउन ऐसा एक सिचुएशन बनाया है लोगों के अंदर, स्टे होम स्टे सेफ। ये देखो पूरा नज़ारा पता चल जाएगा। ये सब फ्रूट वेंडर्स है लोग जो कि फ्रूट बेच रहे, लेकिन ये लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे। ये पता नहीं कौन सा कस्टमर क्या है, कोई भी इन्फेक्टेड होगा तो लोग को जानना चाहिए। ये क्या करेंगे इन लोग को, इन लोग को तो आप बताओगे लेकिन उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्या यूज़ करना है। अभी देखो इतने सारा फ्रूट वेंडर है, बट ये लोग अभी भी अपना प्रिकॉशन नहीं ले रहे, जिसके बदौलत वो लोग इन्फेक्टेड होंगे, उनका फैमिली होंगे या कस्टमर्स भी हो सकते हैं, बट इनको मेंटेन करना चाहिए। अभी एजी स्क्वायर आ गया, अभी हम काम करेंगे। अभी राजभवन स्क्वायर के एरिया से हम लोग निकल जाएंगे मेन एरिया को, तो देखते हैं यहाँ का भी नज़ारा कैसे है। बट चल रहा है, बहुत सारा फोर व्हीलर देखने के लिए मिल रहा है, टू व्हीलर एक दो तो टू व्हीलर देख रहा हूँ। ये जो एरिया का सीन है, अगर कभी स्ट्राइक होता था या बंद होता था, ओ ये वीडियो कॉलिंग चल रहा है। चलो हम तो एक्शन कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो तो खुद का कैमरा में शूटिंग कर रहा है, तो अच्छा है। अभी राजभवन स्क्वायर एरिया भी आ गए हम लोग, और यहाँ पूरा बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस भी है यहाँ पे। अच्छा ये सब जो बैरिकेड हुआ है ये आयरन का हुआ है, तो पूरा एरिया कवर अप है। मेन एरिया है ये गवर्नर का हाउस है। अभी सूर्यनगर से हम लोग निकल जा रहे हैं गपोबंधु स्क्वायर को, वहाँ से फिर लेफ्ट साइड लेके श्रीपुर ओईटी स्क्वायर में जाएंगे। अभी ये हो गया गपोबंधु स्क्वायर है। साइक्लोन के टाइम में मेरा जो वीडियो है ये एरिया पूरा आप देखेंगे तो जान पाएंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वेटनरी कॉलेज है, बेसिक साइंस कॉलेज है, और बहुत सारा हॉस्टल भी है यहाँ पे, तो लोगों का भीड़ रहेगा। अभी ओईटी स्क्वायर है, अच्छा गवर्नमेंट ने अच्छा एक बोला
कि अगर आपका 1 किलोमीटर के अंदर रेडियस में है कुछ शॉपिंग करना है, ग्रोसरी ख़रीदना, आप पैदल जा सकते हो या साइकिल लेके जा सकते हो, गाड़ी नहीं लेने का। नुआसाई सिरीपुर ये नया बोर्ड बना है, ये नया एयरपोर्ट रोड है, बट ये भी एक प्रोमिनेंट प्लेस है और रस रोड भी है क्योंकि डायरेक्ट एसओ यूनिवर्सिटी को ये कनेक्ट करता है। आगे गौ माता जी। सब बस ऐसे ही खड़ा है, ये सब शायद हैदराबाद वाइजाग जाने वाला बस है, दिवाकर का, धीरज का है। हाँ, ये सब लॉन्ग रूट बसेस है, टिल 14 अप्रैल तक पड़ा रहेगा जब तक गवर्नमेंट का एक सर्कुलर नहीं आएगा। यहाँ पे तो लोगों ने मान रहे हैं कि इस वायरस का क्या असर दिखाएगा ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर, तो इसीलिए लोगों ने गवर्नमेंट का रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज को जाने नहीं देंगे। तो ये एक ओवरब्रिज है, अगर हम लोग के लिए हो जाएगा तो इजी है, हम लोग को डायरेक्ट ट्रैफिक का इशू नहीं होगा, डायरेक्ट बरमुडा को जाके कनेक्ट होगा हम लोग के लिए। देखो ये भी मास्क नहीं पहने हैं मैम, सोचो आप खुद सोचो आप क्या गलत कर रहे हो। देखो ये फुटपाथ में रह रहे लोग अभी भी छोटे बच्चों को लेके बाहर घूम रहे हैं, बट मास्क प्रिकॉशन नहीं कर रहे। इन लोग का सोशल गैदरिंग यहाँ पे होता है, ये लोग शाम को आप लोग देखेंगे ये लोग का सोशल गैदरिंग होता है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि गवर्नमेंट नहीं देख पाएगा, वो अगर लोग अवेयर होंगे, पब्लिक निकलेंगे तभी सॉल्व हो सकता है। ये था हम लोग का लॉकडाउन राइड है। लॉकडाउन राइड ख़त्म हो गया। एक चीज़ है यहाँ पे, इतना धूप में भी हमारे लिए जो पुलिस लोग जो एनजीओस काम कर रहे हैं उन लोग के लिए हैट्स ऑफ, इतना वो लोग हमारे अंदर क्रिएट कर रहे हैं COVID-19 के लिए, हमको बचाने के लिए, सोसाइटी को। सोचिए वो लोग क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके पास कर्फ्यू का पास है या लॉकडाउन का पास होगा और कुछ इमरजेंसीज के लिए बाहर जाते हैं तो आप प्रिकॉशन लेके जाइए, गवर्नमेंट का रूल्स को भी फॉलो कीजिए और लोगों को हेल्प कीजिए। प्लीज़ 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 स्टे होम, स्टे सेफ।